हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। दोस्तों, मैं आपका दोस्त गोपाल और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल टेक्नीशियन गोपाल जी। दोस्तों, आज हम असेंबल करने वाले हैं 3 किलोवाट स्टेबलाइजर मैनुअल ऑटो कट। दोस्तों, इसमें कुछ लगने वाले मैं आपको बेसिक नॉलेज देने का प्रयास करूँगा। इसमें लगने वाले जो आप पार्ट्स देख पा रहे हैं, पार्टों का नाम मैं आपको बताने वाला हूँ। इसके बाद कैसे असेंबल करते हैं, कैसे ट्रांसफार्मर भरते हैं कोर, कैसे वायरिंग करते हैं, कैसे चेक करते हैं, कैसे रोटरी कनेक्शन करते हैं, स्टेप बाय स्टेप आप आज हम सब जानने वाले हैं। दोस्तों चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। देख पा रहे हैं आप, ये रहा हमारा कॉयल। ये हमारा दोस्तों कॉपर का कॉयल है 7-3 में। दोस्तों मैं आपको बता दूं, कॉपर अल्मोनियम का यदि आप पहचान नहीं जानते तो आप खिलने पर सफ़ेद दिखेगा अल्मोनियम, और कॉपर रेड जरा सा रेड कलर में दिखेगा, और टाइट भी रहता है, वजन भी रहता है। ये रहा दोस्तों हमारा ट्रांसफार्मर क्लैंप जो कि बगल में लगा के कसता जाता है। ये रहा हमारा दोस्तों रिले जो कि 25 एम्पीयर का है, देख पा रहे हैं 24 वोल्ट से ऑपरेट होता है। ये 2.5 mm वायर, ये 909 750। ये रहा हमारा ट्रांसफार्मर कसने के लिए 4 नट बोल्ट 4 इंच के। ये रहे दोस्तों मैंने ट्रांसफार्मर लेग भी जो पसंद है वो क्लैंप आप देख पाएँ, ये 4। ये रहा हमारा ST3 जो कि पीछे लगेगा दोस्तों आप कनेक्शन करेंगे। ये हमारा 16 एम्पीयर रोटरी 8 पोल का दोस्तों, इसमें टोटल 8 पोल हैं। ये हमारा लेग रहा दोस्तों जो कि नीचे लगेगा, और ये जो आप देख पा रहे हैं ये 2 LED है हमारे पास, एक LED रेड एक हरा, ग्रीन एक रेड, यानी ऑटो कट पर रेड जलेगा। ये हमारा कोर 7-3 का है दोस्तों। अभी कोर हम भरने जा रहे हैं, कोर कैसे भरते हैं अभी आप देख पाएंगे दोस्तों। इसके बाद एक कैबिनेट रहा, कैबिनेट के बाद देख पा रहे हैं अभी हम कैसे कॉयल में कोर डालते हैं। इस प्रकार देख पा रहे हैं, दो दो का सेट लेना है आपको, दो इस तरफ से इस प्रकार आपको पूरे बॉबिन को भर देना है। भरने के बाद लास्ट में आपको पूछेगा आई कोर, उसे हम ई कोर कहते हैं, इसे हम आई कोर कहते हैं दोस्तों। इसके बीच में जब आप दो इस पार से डालेंगे उसके सामने भरने के लिए आपको आई कोर भी उस हिसाब से डाल के इस तरह से बैठा देना है, जैसे आप देख पा रहे हैं। इसके बाद दोस्तों मैं आपको बता दूँ, आपको अच्छे से टाइट कर लेना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा भी टाइट नहीं करना है। कई बार होता क्या है दोस्तों कि आप कोर ज़्यादा ठोक देते हैं, लास्ट में जाके अटक जाता है और निकलता भी नहीं। उसको निकालने के चक्कर में आपका बॉबिन भी फट जाता है, आपका काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाता है। तो आप अंदाज से भरें और टाइट भी होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये ढीला रहेगा तो हमिंग करेगा। कई बार आप देखे होंगे ट्रांसफार्मर हमारा जैसे आवाज़ करता है वो ढीला रहता है, इसलिए आवाज़ करता है दोस्तों। आई कोर को आपको डाल देना है। आप इसके ऊपर चाहे तो वार्निश भी ज़रा सा डाल सकते हैं, क्योंकि कहीं कहीं ये खाली समझ में आएगा तो भर लेगा। अभी दोस्तों हम इसमें लगाने वाले हैं क्लैंप जो आपको पहले दिखाया था। क्लैंप में इस तरह से आपको नट बोल्ट को डाल के उस तरफ से टाइट कर देना है अच्छे से। दोस्तों जब तक मैं टाइट कर रहा हूँ तब तक आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों ट्रांसफार्मर हमारा तैयार हो गया। अभी हम ट्रांसफार्मर को रखेंगे इस प्लेट के ऊपर, बॉडी के ऊपर। अभी हम इस पर निशान लगाएंगे दोस्तों लेग पे कहाँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे साइज के अपने हिसाब से छड़ बनाना होगा। आप चाहे तो ड्रिल मशीन या सुमी की सहायता से होल गिरा सकते हैं दोस्तों। ये रहा हमारा रिले, ये रहा हमारा 909 का लेग आप सीधा कर लें, क्योंकि डिब्बे के अंदर आता है कागज़ के, इसलिए उसे टेढ़ा कर दिया जाता है डालने के लिए। दोस्तों इस तरह से आप मार्कर ले लें एक किसी भी कलर का, और हर जगह इसमें ट्रांसफार्मर में 4 देख पा रहे हैं, इस तरह से आपको निशान लगा लेना है और छड़ करके आपको इस तरह से सभी को कष्ट लेके टाइट कर लेना है दोस्तों। रोटरी में हमने आटो पॉइंट को टाइट कर दिया है। ये रहा हमारा कॉमन जो कि न्यूट्रल में जाएगा दोस्तों। इसके बाद रोटरी में जो हमारे 8 पॉइंट होते हैं दोस्तों ट्रांसफार्मर के, आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 करके 8 लूप होते हैं, एक कॉमन को लेकर 9 लूप होते हैं। ये जो आप वायर देख पा रहे हैं ये हमने 8 नंबर पॉइंट पर कस दिया है, ये हरा वाला जो आप देख रहे हैं 2.5 mm, क्योंकि हमें फेस फेस बनाना है दोस्तों। अभी यदि आपको न्यूट्रल फेस कनेक्शन करना है तो आप इसी में एक वायर 3 नंबर
इसके बाद दोस्तों देख पा रहे हैं आप जो इनपुट और आउटपुट लिखा हुआ है पीसी कैबिनेट पर, मुझे इनपुट पर इसे एक नंबर पिन पर दे देना है और आपको स्लॉट डालना नहीं भूलना है, क्योंकि दोस्तों इसमें होता क्या है कि कभी कभी वायर गर्म होकर पिघल जाता है तो आपका शॉर्ट मारने का समस्या आने लगता है दोस्तों। इसके बाद आपको जहाँ पे ई लिखा है वहाँ से एक वायर को निकालना है कुछ इस प्रकार से, और निकाल के आपको दे देना है न्यूट्रल। देखिए न्यूट्रल में भी हम क्या क्या करने वाले हैं, ट्रांसफार्मर, वोल्ट मीटर, इंडिकेटर, सबका एक कनेक्शन इसमें करेंगे, और इस ट्रांसफार्मर का जो कॉमन वाला हमारा वायर है हम इसे भी वहीं पे कनेक्शन करने वाले हैं दोस्तों। इसके बाद मैं आपको बता दूँ इस मुझे ला के आउटपुट के पिन नंबर एक पर कस देना है, जो हमारा ST3 है इस पर कस देना है दोस्तों। अभी हम वोल्ट मीटर बैठाने वाले हैं, इस तरह से वोल्ट मीटर आपको बैठा देना है पीछे, इसका जो लगा था इसे लगा के आपको 10 नंबर बोल्ट है ये, इसे टाइट कर देना है। ये हमारा वोल्ट मीटर लग गया। अभी बाकी है दोस्तों इसमें इंडिकेटर, ये कट यानी रेड इंडिकेटर और लाइन यानी हरा इंडिकेटर हम लगाने वाले हैं दोस्तों यहाँ पर। इसको लगाने के लिए गुरमिट आता है रबड़ का, उसे लगाना है उसके नीचे, उसके अंदर मुझे LED को डाल देना है दोस्तों। रेजिस्टेंस मुझे लेना है, रेजिस्टेंस लेकर दोनों पॉइंट पर मुझे लगा देना है, बीच में लगाने की कोई आवश्यकता नहीं, किसी भी आप एक पॉइंट पर रेजिस्टेंस का प्रयोग करें दोस्तों। इस पर लोड होता है स्टेबलाइजर पर, इसलिए आपको जो भी कनेक्शन करें उसे मजबूती से टाइट करें या सोल्डिंग करें, इसमें ज़रा सा भी आप कमी ना करें। जो ये आप बीच का पॉइंट देख पा रहे हैं ये काला वाला, ये हम ला के न्यूट्रल में कसने वाले हैं अभी दोस्तों। देख पा रहे हैं आप जो मैं आपको बताया, हम इसे न्यूट्रल में कसने वाले हैं। हम यहाँ पर सोल्डिंग कर लेते हैं आराम से, सोल्डिंग कर लेने के बाद हम इसे न्यूट्रल में कसेंगे। न्यूट्रल में दोस्तों आप ध्यान से देखिएगा मैं किन किन वायरों को जोड़ूंगा। यहीं से मैं एक वोल्ट मीटर दे दिया, जो अभी सोल्डिंग देख पा रहे हैं आप करने जा रहा हूँ, नट खोल रहा हूँ, इसमें पिन है, मैं इसे सोल्डिंग करूँगा। न्यूट्रल का एक पॉइंट इस पर दे दिया वोल्ट मीटर पर, एक इंडिकेटर के बीच में दोनों पर जा रहा है आप देख पा रहे हैं। अभी दोस्तों इसके बाद मुझे इसी में ट्रांसफार्मर नहीं यानी जो हमारा 909 है इसे भी जोड़ना है दोस्तों। वोल्ट मीटर का एक हम आउटपुट पे जो रोटरी से हमारा सप्लाई निकलता है रिले में आता है, रिले इन जहाँ होता है वहाँ से जो आउटपुट होता है जस्ट सामने से मुझे वहाँ पे लगा देना है दोस्तों। इसके बाद हम देख पा रहे हैं ये एक वोल्ट मीटर, एक 909, और दोस्तों इन दोनों वायर को पकड़ के और ट्रांसफार्मर का जो कॉमन वाला वायर होता है दोस्तों उससे पकड़कर आपको यहाँ पे अच्छे से इस प्रकार से टाइट कर देना है और सोल्डिंग कर देना है। सोल्डिंग करने के बाद आपको टेप कर देना है दोस्तों। इसको सोल्डिंग करने के लिए आपके पास 60 वाट का कम से कम सोल्डर होना चाहिए। अच्छे से आप टेप करें दोस्तों। यदि आप एक पेशावर इलेक्ट्रीशियन है तो आपको पता ही होगा कि अच्छी कंपनी और अच्छी क्वालिटी का आप टेप प्रयोग करें। अभी दोस्तों ये जो हमारा एक फेस देख पा रहे हैं आप डायरेक्ट निकलता है स्टेबलाइजर में, ये जो मैं अभी जो रिले में खोल रहा हूँ दोस्तों ये आउटपुट है, यहाँ से मुझे आउट कराना है सप्लाई को। यहाँ पे हम वायर का एक छोटा सा टुकड़ा जोड़ लेते हैं और इसी पे हम वोल्ट मीटर का एक वायर जो आप देख पा रहे हैं हरे कलर का है हमारा वायर, हम यहाँ पे देने वाले हैं दोस्तों, क्योंकि जब सप्लाई हमारी आउट होगी तो ही हमारा वोल्टेज मीटर बताएगा। जब सप्लाई कट कर दिया जाएगा यानी ज़्यादा होगा जो हम ऑटो कट से सेट करेंगे, जो कट का हमारा कार्ड होता है दोस्तों उसमें आपको भी मैं आगे समझाऊँगा, जब उसे कट करने के लिए सेट करते हैं तो सप्लाई कट हो जाएगी तो वोल्ट मीटर से भी सप्लाई कट हो जाती है दोस्तों। जरा सा मैं अभी सोल्डिंग पकड़ा रहा हूँ दोस्तों कि ताकि वहाँ पे मोटा है इसलिए सोल्डिंग पकड़ लें। यहाँ पे आपको अच्छे सोल्डिंग कर देना है, देख पा रहे हैं दोस्तों हमने कार्ड वार्ड सब सोल्ड कर दिया है। रिले के इन दोनों पॉइंट पे जो ये आपका रिसेट कार्ड होता है दोस्तों इस पर TTRR लिखा रहता है, TT यानी ट्रांसफार्मर का दोनों वायर, 909 का वायर हमें TT पे लगाना है
आर आर यानी रिले, रिले पे जो लिखा है वो रिले पे दे देना है। अब ये आप वायरिंग समझ पाए होंगे, ये जो लाइन का आप देख पा रहे हैं यार ऑटो कट जो होने चलेगा, ये बीच वाला जो पॉइंट आप रिले का देख पा रहे हैं यहाँ से मुझे कट वाले को ला के इंडिकेटर दे देना है यहाँ पे, और लाइन वाले का दे देना है दोस्तों लाइन में से ला के। दोस्तों वीडियो आपको उम्मीद करता हूँ पसंद ज़रूर आई होगी, यदि पसंद आई होगी तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अभी हम इसे ऑटो कट सेट करने वाले हैं। दोस्तों ऑटो कट सेट करने के लिए आपको करना क्या है, हमारे पास दोस्तों अभी फेस फेस तो है नहीं, तो मैं पिन नंबर 4 पर लगा के देख पा रहे हैं 200 है। अभी मुझे और सप्लाई बढ़ाऊंगा, बढ़ाने के बाद मैं इसे कट करवाऊंगा। कट सेट करने के लिए जो कट का कार्ड होता प्लेट होता दोस्तों, उसमें एक घुमाने के लिए आप प्रीसेट दिया गया रहता है, देख पा रहे हैं आप, पेचकस की सहायता से ही घुमाएं, अन्यथा आपको बिजली मारने की शॉर्ट मारने का समस्या रहता है। इस तरह से आप उसे घुमाएं, बाईं तरफ घुमाएंगे तो बढ़ेगा, दाहिनी तरफ घुमाएंगे तो घटेगा, इस तरह से आपको सेट कर देना है आसानी से। दोस्तों देख पा रहे हैं 250 पे हमने सेट कर दिया है, क्योंकि ग्राहक इससे 3 किलोवाट से सिंगल फेस सबमर्सिबल चलाएगा 1 किलोवाट का 1 HP का। दोस्तों ऑटो कट सेट कर लें अच्छे से, उसमें कमी ना करें, नहीं तो जल जाए। देख पा रहे हैं आप कट कर दिया है, कितने पे कट किया है अभी आप देख पाएंगे। इस तरह से आपको घुमा लेना है, 200 अभी 240 बता रहा है दोस्तों, बस बहुत है, 240 पे हम सेट करेंगे। तो यदि वो लोड देंगे समरसेबल का तो 220 पक्का दब के लाइन बनेगा। दोस्तों स्टेबलाइजर हमारा तैयार हो गया है। आपको वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा, किसी भी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो भैया कमेंट कर सकते हैं, आपको देते हुए बॉडी और प्रकाश चक्कर लाना सीरीज के माध्यम से। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।